हेलो दोस्तों, आज हम सभी लोग सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट जुरिसडिक्शन के बारे में समझेंगे। ये अपीलेट जुरिसडिक्शन क्या होता है? अपीलेट जुरिसडिक्शन, जिसे हिंदी में अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है, हम सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी पंचायत है। यदि हम अपनी अदालतों को देखें तो सबसे पहले जिला अदालत हमें देखने को मिलती है, जिला अदालत जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई है और हाई कोर्ट से भी ऊपर सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश में, जो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित है, इसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अनेक क्षेत्राधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के अनेक अधिकारिताएं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिताएं देने वाला कानून है संविधान। तो भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे जुरिसडिक्शन दिए हैं। एक जुरिसडिक्शन का नाम होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एक जुरिसडिक्शन है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख क्षेत्राधिकार, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। तो इन क्षेत्राधिकारों को, यानी सुप्रीम कोर्ट के पावर्स की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट किस एरिया में फंक्शन कर सकता है इसकी बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मित्रों सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील का मतलब आप सभी लोगों ने सुना है, अपील एक कानूनी शब्द है। अपील का मतलब होता है जब कोई पक्षकार यदि निर्णय से असंतुष्ट है, यानी कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले से यदि कोई पक्षकार असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, तो वह पक्षकार उस निर्णय की वैधता को चुनौती दे सकता है। यानी वो जिस अदालत ने फैसला किया है उससे ऊपर वाली अदालत में जाकर उस अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उस अदालत को ये कहता है कि नीचे वाली कोर्ट का जो निर्णय है वह गलत है, और उस अपील के आधारों के साथ उसको चैलेंज करता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे क्षेत्राधिकार आते हैं जब सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की अपेक्स कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट बिंदु है, इसलिए इसको अपेक्स कहा जाता है, हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रोविजंस हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक बताए गए हैं। 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन बताया गया है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के पावर, सुप्रीम कोर्ट की बेंच, सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शंस के बारे में अन्य आर्टिकल्स बताते हैं। कुल मिला के अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस बताए गए। यदि हम जुरिसडिक्शन की बात करें तो जुरिसडिक्शन को अधिकारिता भी कहा जाता है, अधिकारिता या क्षेत्राधिकार, एरिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट काम कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की। तो सबसे पहले हमको अपील को समझना होगा। अपील एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति यदि अपील लगाता है, इसका मतलब यह है कि वो निचली अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं था। तो जो व्यक्ति कोर्ट में निर्णय दिया गया उस निर्णय से असंतुष्ट है तो उस निर्णय की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकता है, लेकिन यह हमेशा सुपीरियर कोर्ट में होता है, उससे ऊपर वाली कोर्ट में होता है। और हमारे देश में सबसे बड़ी और अंतिम अपील जहां होती है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने यदि निर्णय दे दिया तो उसकी कहीं पर भी अपील नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय फाइनल होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट जुरिसडिक्शन की। तो सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट जुरिसडिक्शन को यदि हम देखें तो 132 अनुच्छेद से लेकर 136 तक सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल मामले, प्रॉपर्टी के मामले, लेन देन के मामले, भूमि के मामले, मॉनिटरी के डिस्प्यूट्स है, तो सिविल मामलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है अंडर आर्टिकल 133। इसी प्रकार क्रिमिनल मामलों की जो अपीलें होती है, यदि हाईकोर्ट ने सजा सुना दी है और हाईकोर्ट के खिलाफ यदि आपको अपील करनी हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा 134 में। और 132 क्लियर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम अपीलेट अथॉरिटी है, सबसे बड़ी अपील यदि कहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट में होगी, इससे बाहर हमारे देश में कहीं अपील नहीं हो सकती है। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें विधि का प्रश्न होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट से विशेष इजाजत भी लेनी पड़ती है, यानी कई जगहों पर अपील की परमिशन भी लेनी पड़ती है अंडर आर्टिकल 136। तो ये है मित्रों सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिसडिक्शन, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार के अन्य संविधान के वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।